वेलकम गाइस, वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से लेकर यमुना बैंक डिपो तक का अपडेट दिया था, और आज का जो ये अपडेट है यमुना बैंक डिपो से लेकर ताक कॉलोनी तक रहेगी। और आज हम देखेंगे, जानेंगे कि इसके आगे का क्या अपडेट्स है। हाईवे 709B का रास्ता सीधा ITU की तरफ चली जाती है, खास मार्ग होते हुए। इसके अलावा ये सीधा रास्ता आपको जो है गीता कॉलोनी की तरफ चली जाती है, इससे आप शास्त्री पार्क भी जा सकते हैं। और आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक रास्ता है बनी हुई है, उस पर आप चढ़ेंगे तो आप सीधा लक्ष्मी नगर निकल जाएंगे इस विकास मार्ग के ऊपर। फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट पे देखेंगे जो हाईवे का जो साइन बोर्ड है वो दोनों साइड लगा दिया गया है। इस पॉइंट पे हाईवे का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। हमने आपको मेट्रो की लाइन दिख जाएगी। ये लाइन जो है आपका द्वारका टू वैशाली जो ब्लू लाइन है वो जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन काफ़ी अच्छी हाइट पे है। ये मेट्रो भी आप जाते हुए देख सकते हैं जो आपकी यमुना बैंक डिपो जा रही है और लक्ष्मी नगर से आ रही है। सामने ये हाईवे का साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस पॉइंट पे हाईवे एलिवेशन सेक्शन है उसे यहाँ पे नहीं बनाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेट्रो की लाइन है। इस पॉइंट पे हाईवे का एलिवेशन सेक्शन बनाया जाता तो उसे मेट्रो के इस लाइन से काफ़ी ऊपर रखा जाता, जो कि एक अच्छी खासी हाइट हो जाती। इस एलिवेशन सेक्शन को बनाने के लिए इसे काफ़ी पीछे से ही काफ़ी हाइट पे बना के इसे लाना पड़ता, तब जाके वो बन पाता यहाँ पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एरिया काफ़ी ऑलरेडी बहुत डेवलप है और इसके पास कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यह रास्ता जो है आपका विकास मार्ग से आ रहा है। ये लक्ष्मी नगर चुंगी का अंडरपास है, इसके ऊपर विकास मार्ग है। फ्रेंड्स, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होने वाला था तो उसके ठीक पहले इस एरिया को डेवलप किया गया था। ये अंडरपास, ये सारे रास्ते उस समय ही बनाए गए थे। आने वाले टाइम में दिल्ली की ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस रोड का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड ये 3-3 लेन की जो ये रोड है रखी गई है। रास्ता जो लेफ्ट साइड को जा रही है, इस रास्ते के थ्रू आप इस विकास मार्ग पर जा सकते हैं, और इस रास्ते के थ्रू आप ITO सबसे जो ट्रैफिक आ रही है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाती है, और ये रास्ता सीधा आपके लक्ष्मी नगर, सहादरा, आनंद विहार की तरफ वो रास्ता चला जाता है। रास्ते से आप ईस्ट दिल्ली की तरफ और भी जगह जा सकते हैं। आप सामने का जो एरिया देख पा रहे होंगे ये है लक्ष्मी नगर का ललिता पार्क। देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक भी हाईवे का कोई काम नहीं हुआ है। इस 6 लेन को हाईवे में ही कनेक्ट कर दिया गया है, हाईवे में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधा आपकी ITO से आ रही है। जिन लोगों को गीता कॉलोनी की तरफ, त्रिप पार्क की तरफ, कश्मीरी गेट की तरफ जाना हो तो वो लोग इस रास्ते से जा सकते हैं। पहले यहाँ पे एक लक्ष्मी नगर चुंगी हुआ करता था। यहाँ पे उस चुंगी पे चारों तरफ की ट्रैफिक उस चुंगी पे, उस बत्ती पे ही सही ऑपरेट होती थी, जिस वजह से काफ़ी जाम लगता था। हमको कम करने के लिए इस तरह का इस रोड का डिजाइन तैयार किया गया। इस सचिवालय के आगे से ही एक ये रास्ता ऐसा बना दिया गया था इस सेक्शन पर आ जाए। इस तरह की छोटी मोटी आपको यहाँ पर मार्केट लगी हुई मिल जाती है। रास्ते में रुक के अपने लिए कपड़े वगैरह, शर्ट वगैरह शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, कुछ नारियल पानी के वेंडर वगैरह भी मिल जाएंगे। पॉइंट पे रोड क्रॉसिंग के लिए रूफ वे का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उस तरफ कंप्लीट कर लिया गया, इस तरफ होना बाकी है। और उस रूफ वे का जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये साइड में रखा हुआ है, इसे भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हाईवे है और सेफ्टी पर्पज से ये बहुत ज़रूरी भी है, जहाँ तहाँ से रोड क्रॉसिंग ना कर ले। अब चलते हुए ललिता पार्क के किशन कुंज वार्ड नंबर 201 पे आ चुके हैं।
आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक बड़ा सा रूफ वे का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे वाला रूफ वे पिछले वाले से थोड़ा सा अलग हटके है, व्यू रूफ वे के ऊपर से है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक आपकी जो नोएडा की तरफ से आ रही है और ये यमुना के एरिया पड़ता है। अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं रास्ता शास्त्री पार्क चीलमपुर की तरफ चली जाती है। आप देख सकते हैं 709 भी ये हाईवे का एलिवेशन सेक्शन का काम इस जगह से स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे ये जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। लेन का एलिवेशन सेक्शन यहाँ पे बन चुका है और दोनों साइड जो है 3-3 लेन की जो सर्विस लेन छोड़ी गई थी वो भी बनके कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े बहुत फिनिशिंग और पेंट का जो वर्क है वो थोड़ा होना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे काम पूरा डन हो चुका है, जबकि भी सर्विस लेन बन चुका है। अभी मैं जिस रूफ वे पे खड़ा हूँ ये रूफ वे पिछले वालों से रूफ वे से थोड़ा अलग हटके है और उससे ज़्यादा बेटर है और इसमें दोनों साइड जो है आपकी लिफ्ट भी लगाई जाएगी। यहाँ से हाईवे का एलिवेशन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का रूफ वे का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था। इस तरह का खूबसूरत सा व्यू है यमुना का और ये ट्रैफिक का आप देख सकते हैं इस रूफ वे के ऊपर से। अब मैं सर्विस लेन की तरफ आ चुका हूँ और आप सर्विस लेन की तरफ देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो वर्क अभी यहाँ पे साइड में पेंडिंग से ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इस लेन और एलिवेशन के बीच में जो ये सेफ्टी वॉल है ये लोहे का ये अच्छी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया गया है। वे के जो साइन बोर्ड हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए गए हैं। फिक्स लाइट की बात करूँ तो ट्रैफिक लाइट भी यहाँ पे लगा दिया गया है। पॉइंट पे ड्रेनेज वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। में हाईवे पे और सर्विस लेन पे लाइट की कमी ना हो इसलिए दोनों साइड जो है आपका जो लाइट इंस्टॉल कर लिया गया है एक ही खंबे के अंदर। आप देख सकते हैं ट्रैक्शन पे जो ट्रैफिक लाइट है दोनों साइड की तरफ इंस्टॉल कर लिया गया है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि और भी कितना सारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। आपको सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक अंडरपास दिख रहा होगा, यहाँ पे भी अंडरपास का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम इस हाईवे को कवर करते करते जो है गीता कॉलोनी तक आ चुके हैं। लोगों को किशन कुंज और लक्ष्मी नगर की तरफ जाना हो उनके लिए यहाँ पे ये जो अंडरपास छोड़ा गया है ताकि वो यूटर लेके वो पीछे जा सके। अंडरपास के ठीक राइट हैंड साइड पे ही यहाँ पे गीता कॉलोनी का SDM ऑफिस है, SDM ऑफिस की तरफ चला जाता है। पॉइंट पे देख सकते हैं कि हाईवे काम तेजी से चल रहा है और यहाँ पे रास्ते को रोलिंग किया जा रहा है। ड्रेनेज का काम कंप्लीट कर लिया गया है। साइड में सेफ्टी पर्पज से लोहे का ग्रिल भी लगा दिया गया है कि ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस ना हो। आप देख ही सकते हैं पॉइंट पे ड्रेनेज का काम अभी यहाँ पे होना है। ड्रेनेज का शटरिंग का काम होना है अभी यहाँ पे। NHAI अपने काम बहुत सेफ्टी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ करता है। काम करने के अंदाज से आपने पता लगा लिया होगा। एक छोटा सा ये अपडेट था आपका दिल्ली से देहरादून की जो हाईवे बन रही है 709B उसके रिगार्डिंग। डेट आपका यमुना बैंक डिपो से लेकर गीता कॉलोनी तक थी। हाईवे को आज 31 मार्च 2024 तक कम्प्लीट होना था। हाईवे पर सफ़र के लिए हम देशवासियों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इस हाईवे के निर्माण में NHAI को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, भी चैलेंजिंग वर्क था उनके लिए। एक लाइक तो बनता है NHAI के लिए इस काम के लिए, खूबसूरती से हाईवे के निर्माण के लिए। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।